हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन मंगल। आज हम कक्षा 10 की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय का विलोम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पहले कर चुके हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करें, पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति क्या है, कैसे हमने उसे सिद्ध किया था, उसके बाद ये उसका विलोम है ये कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के अनुसार ये अति महत्वपूर्ण प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय महत्वपूर्ण है और यह प्रमेय भी महत्वपूर्ण है। क्या है इसका कथन? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो वह जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज अर्थात उसका एकमान समकोण होगा, ये हम सिद्ध करेंगे। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं, फिलहाल हमें पता नहीं है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ये त्रिभुज एबीसी है, दिया है हमें। जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक प्रमेय के चार भाग चार चरण होते हैं, उत्पत्ति दिया है, सिद्ध करना है रचना। उत्पत्ति पहले दिया है, त्रिभुज एबीसी में एबीसी के प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। कथन में दिया है दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग यानी कि ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग तीसरी भुजा पर बने। तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी। ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग ए सी के वर्ग के बराबर है, ये हमें दिया गया है और इसको हमें लिखना समीकरण नंबर एक। सिद्ध करना है कि यह समकोण त्रिभुज है तो हम सिद्ध करेंगे इसमें ए कोण समकोण है। सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण बी आ रहा है इस कोण को हम समकोण सिद्ध करेंगे अर्थात सिद्ध करेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। रचना ए त्रिभुज पी को इस प्रकार बनाएंगे, ए त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया कि एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया कि भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, भुजा बी सी क्यू आर के बराबर है और कोण क्यू इसका समकोण है। रचना कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, कोण क्यू इसका समकोण है। यह हमने रचना की है। उत्पत्ति रचना महत्वपूर्ण है, एक अलग त्रिभुज बनाया है जिसकी दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है और कोण को समकोण है। अब हम देखते हैं पत्ति त्रिभुज पी क्यू आर में कोण को समकोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार स्क्वायर बेस का स्क्वायर लंब स्केयर बराबर करण स्केयर। आधार हमारे पास है क्यू आर, लंब हमारे पास है पी क्यू, आधार लंब और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये है करण और करण भुजा हमारे पास आएगी पी आर। रचना से हमने रचना में क्या लिखा था कि पी की भुजा ए बी के बराबर है, पी क्यू का मान हम देखेंगे ए बी, क्यू आर भुजा बी सी के बराबर है, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। समीकरण एक से हम देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, समीकरण एक से मान रखेंगे।
समीकरण एक से बीस स्केयर प्लस ए बी स्केयर का मान ए सी स्केयर रखने पर क्या परिणाम हमारे पास प्राप्त हुआ है? वर्गमूल लेने पर ए सी स्केयर बराबर ए सी बराबर टी आर, यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा भी बराबर है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की तीसरी भुजा ए सी और पी आर समान है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर भी ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। ये दोनों हमने रचना की है रचना से ही, और हमने सिद्ध किया है ए सी बराबर पी आर। ये हमारे पास समीकरण तीन है, समीकरण नंबर दो, यह समीकरण दो जो हमने सिद्ध किया है। दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है तो भुजा 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 समांग समता से एस 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 समांग समता। क्या हो इससे? त्रिभुज ए बी सी समांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब त्रिभुज समांग सम है, सभी कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के, कोण बी बराबर कोण क्यू, और हमने रचना में लिखा था कि कोण को 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण बी का मान क्या होगा 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इतनी सीधा लेकिन हमने सिद्ध करना था। सभी प्रमेय महत्वपूर्ण प्रमेय को ध्यान से देखें, कक्षा 10 की सभी महत्वपूर्ण प्रमेय की उपपत्ति मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी आपको। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको कक्षा 10 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलते रहे। धन्यवाद।